साउंड आप लोगों ने सुन ली भाई गोरिल्ला 450 की। अभी मैं आपको बताता हूँ भाई इसकी प्राइस के बारे में, बाकी सभी चीज़ों के बारे में, क्या क्या इसको आपको मिलता है, क्या ऑनरोड प्राइस है, एग्जैक्टली सारी चीज़ें बताऊंगा भाई। सबसे पहले भाई इसकी जो प्राइस है ना वो लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये कम रहने वाली है कंपेयरिंग टू हिमालयन 450 से। स्टार्टिंग प्राइस है 2,39,000 और ये जो 2,39,000 है ऑनरोड जाते जाते 2,70,000 के आसपास चली जाएगी, एंड 2,54,000 इसका टॉप एंड वेरिएंट मिल जाएगा, जिसमें कि आपको थोड़े बहुत कुछ चेंजेस मिलेंगे, वो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। आप लोग सबसे पहले इसका लुक्स वगैरह चेकआउट कर लो। फ्रंट में जो है आपको कंप्लीटली LED सेटअप वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, उसी के साथ ढेर सारे कलर कॉम्बिनेशन इसके अंदर आते हैं। USD यहाँ पे नहीं मिलेंगे जो आपको हिमालयन में मिलते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे जो कि हिमालयन में नहीं मिलते। उसके बाद भी यहाँ पे ओवरऑल लुक्स वगैरह काफ़ी बढ़िया है इसके अंदर। टॉप एंड वेरिएंट है जिसका कलर अभी आप देख रहे हो व्हाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन, यही कलर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, बट आई डोंट थिंक भाई इंडियन मार्केट में इस तरह के कलर चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे LED इंडिकेटर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, फ्रंट में छोटा सा वाइजर आपको मिल जाता है, और हेडलैम्प के ऊपर भाई ये कवर जो है एक तरीके से बोल सकते हैं भाई एसेसरीज का पार्ट है। उसके साथ इंजन की बात करूँ तो वही सेम इंजन है 452 cc का, जो 40 bhp की पावर एंड 40 Nm का टॉर्क आपको मिलता है, तो वही सेम इंजन है जो आपको हिमालयन 450 में मिलता है, तो एग्जैक्टली वही सेम सारी चीज़ें होने वाली हैं। लिक्विड कूलिंग इंजन है तो कोई भी खास डिफरेंस नहीं फील होगा आपको। राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगी, चेसी भी वही है। उसी के बाद भाई यहाँ पे आप बात करें बेसिक टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह मिल जाएगी इसके अंदर। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर कुछ इस तरीके का डिजिटल मीटर मिलता है, तो अब टॉप एंड में जो है ना मेरे को नहीं लगता भाई कि टॉप एंड की जो स्क्रीन है वो तो चलो अच्छी है, लेकिन भाई इसके कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती है ना वो मीटर काफ़ी बढ़िया है, जो काफ़ी प्रैक्टिकल भी, हम ऑलरेडी चला चुके हैं उसको मीटियोर वगैरह में। उसके बाद यहाँ पे आप देखो भाई रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी आती है निकल के कंपेयरिंग टू हिमालयन 450 या फिर और कोई और बाइक के कंपैरिजन में, क्योंकि एक रोडस्टर बाइक है भाई ये, और यहाँ पे आपको फ्रंट में 120 सेक्शन का टायर मिल जाता है, डुअल चैनल ABS है, बड़े बड़े डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर भी मिलने वाले जो कि आपको नहीं मिलते हिमालयन 450 में। अब मैंने जो है ना भाई 450 में कई सारी चीज़ें और देखी भाई, इसके अंदर जो है ना आपको कुछ और इशूज़ लाइक हाइट इशू, तो अब इस बाइक में हाइट इशू भी नहीं मिलेगा क्योंकि पीछे चोर टायर मिल जाएगा, पीछे भी ABS मिल जाएंगे। एंड इस बाइक का भाई एक और ड्रॉबैक ये है कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस उतनी ज़्यादा नहीं है, इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ा कम रखा गया कंपेयरिंग टू हिमालयन 450। हिमालयन 450 जो एक एडवेंचर पर बाइक है, इसकी जो सीट हाइट है 780 mm, जिसके लो हाइट राइडर्स भी चला सकते हैं, और देखने में काफ़ी बड़ी नहीं लगेगी लाइक हिमालयन 450 के कंपेरिजन में। तो हिमालयन 450 देखने में काफ़ी बड़ी लगती है कि जिसकी हाइट ज़्यादा भाई साइज़ भी उसका बड़ा है, तो इसमें हाइट भी कम है और देखने में भी उतनी ज़्यादा बड़ी भी लगेगी, तो इसको हर कोई चला सकता है इजिली, लो हाइट राइडर भी चला सकते हैं एंड हाई हाइट राइडर भी चला सकते हैं, तो एक बढ़िया पैकेज आपको लिए हो सकता है। इसकी जो प्राइस ऑलरेडी मैंने आपको बताई थी 3 लाख रुपये में अराउंड इसका टॉप एंड वेरियंट मिल जाएगा, तो आप लोग गाइज लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये बचाना चाहते हो तो आप इसके ऊपर जा सकते हो, बट वही हिमालयन 450 जो कैपेबिलिटीज ऑफर करते हैं ना शायद ये ऑफर नहीं कर पाए, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं। अगर बाकी कोई भी डाउट्स हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भाई, एंड जल्दी जो इसका डिटेल वॉक अराउंड भी आपको मिल जाएगा। तो चलो तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।